या परवरदिगार हर लम्हा माफ़ी दा मतलबगार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कुछ सच्चियां ते कुछ कौड़ियां गल्लां दे नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत हाजिर ते सलाम अर्ज करदा जी। गल्लां दो तीन करांगा जी, अज लम्मियां चौड़ियां नहीं करांगा जी। पहली गल बिस्मिल्लाह करके जी शुरू करदा जी एहसन इकबाल दे ट्वीट तो। उन्होंने एक ट्वीट किया, मुसद्दक मलिक साहब एक्स ब्रिगेडियर रिटायर्ड जिहड़े आ उन्होंने शहजाद अकबर साहब की जगह पर लाया गया और वो पहले मुशरफ दौर च भी वो रहे आ, नैब के इंचार्ज रहे आ और ये जिहड़े कारोबार आ भी किदां किहदे नाल किदां डील करना उहदे बहुत अच्छी तरह वाकफ आ। कानून के मुताबिक उन्हां दा थोड़ा जिहा मामला जिहड़े आ वीक आ, लेकिन यह कि उहदे नाल सपोर्टिंग जिहड़ी आ इहनां दी ला टीम आ हुकूमत दी उन्होंने सपोर्ट करेगी नैब के मुकदमात दे विच ते होर दूसरे जिहड़े केस आ इनवैसटीगेशन वाले जिहड़े आ उहदे च उन्हां नूं हैल्प आउट किया जाएगा। हुण गल करदा जी भी एहसन इकबाल साहब ने अज ट्वीट दागिया जी एक ट्विटर के उत्ते कि इमरान खान साहब ने जिहड़ा यह रिटायर्ड फौजी अफसर जिहड़े आ इन्हां नूं लाया वा इत्साब वास्ते ये जिहड़ा ये जुल्म और ज्यादा उन्हां दे लफ्ज़ां दा मतलब मैं नहीं तुहानूं मैं दस रहा जी कि ये जुल्म और ज्यादती की आ और इस तरह की आ कि वह अपनी इंतकामी कार्रवाई जिहड़ी आ उहनूं परवान चढ़ाना चाहते आ ताकि अपोजिशन जिहड़ी आ उहदे ते सख्त तो सख्त जिहड़ा शिकंजा कसिया जा सके। उन्होंने कहा जी कि ये इहदी जिन्नी भी मजम्मत की जाए उन्नी ही थोड़ी आ ताकि ये क्यों इहदा नतीजे उन्होंने उही कुछ मिलणगे जिदां दे रिटायर्ड फौजी जिहड़े आके टीवी दे उत्ते या वीलॉग करते और वह मुस्लिम लीग नूं हमायत नहीं करते जिदां दे नज़रियात उन्हां दे आ उस तरह के नज़रियात ये रखते आ इन्हां दा ज़ेहन जिहड़ा वा उस तरह दा वा। बेसिकली ये जिहड़े अपना ब्रिगेडियर साहब आ इन्हां दी तबीयत जरा सख्त मिजाज आदमी आ, लेकिन इन्हां दे वालिद साहब जिहड़े पुराने मुस्लिम लीगी सी जी और उन्होंने अपनी तमाम उम्र जिहड़ी आ मुस्लिम लीग दे नाल ही कढ़ी आ, लेकिन ये जिहड़े आ इन्हां दा नज़रिया ये जरा होर तरह का वा, ये सख्त तबीयत दे आ आर्डर टू आर्डर चलण वाले बंदे आ और अपनी जरा जिहड़ी अफसर टाइप जिंदगी आ उहदे विच इह ज़्यादा मशगूल रहिंदे आ। गल इह जी सोचण वाली गल इह आ कि जदों तुसीं कोई बंदे नूं भर्ती करो फौज दे विचों रिटायर होए नूं अपनी मुस्लिम लीग दे विच उह जायज़ हो जांदा जी। तुसीं देखो कि अपना बलोचिस्तान दे अपना जिहड़े जनरल सी अब्दुल कादर साहब उह मुस्लिम लीग च रहे, फिर बहुत सारे होर जनरल आ जिहड़े फौजी अफसर सी उह पाकिस्तान मुस्लिम लीग दे कोई तर्जमान रहे आ, कोई तजिया नगार रहे आ, कोई कुछ रहे आ, उन्हां ते इतराज़ नहीं होया। रफीक तारण साहब एक जिहड़े सी उन्हां नूं जज तो सदर बना दिता गया, इस तरह ही राणा शमीम साहब जिहड़े आ हालिया मिसाल जिहड़ी आ इन्हां नूं चीफ जज बिल्क जज बिल्किस्तान जिहड़ा लाया गया सी वह भी नवाज शाह का एक चक्कर सी जिहदा कि उन्होंने फिर किराया उन्होंने कोलों वसूल किया, हुण उन्हां दे गल च मुसीबत पै गई आ। अच्छा फिर इन्हां दा जिहड़ा बेटा सी राणा शमीम साहब दा उन्होंने भी सरकारी नौकरी एक अता की गई सी बड़ी अच्छी पैकेज के उत्ते। इस तरह बहुत सारे अफसर जिहड़े आ उन्होंने इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया और उन्हां को सर्विस करते रहे आ, इन्हां दी खिदमात अंजाम दिंदे रहे आ मुस्लिम लीग वास्ते, वो सब जायज़ रहा जी। ये अगर इमरान खान साहब ने ऐसी कोई गलती कर ली आ तो ये उत्ते वाह वेला शुरू कर लिया। वाह वेला शुरू करन दियां कुछ वजूहात आ जी, वो क्यों आ देखो फिर ये आ भी इमरान खान साहब जिहड़े आ उन्हां दे उत्ते किसी ना किसी तरह कीचड़ उछालना किसी तरह जिहड़ा वो ये चाहते आ भी लड़ाई जिहड़ी आ उन्हूं बढ़ावा दिता जाए एस्टैबलिशमेंट फौज की जिहड़ी आ उहदे विच जां इहदे विच दरार पाई जाए। कल का एक बयान दिता जी जिहड़ी इन्हां दी कल कोर कमेटी का अजलास होया मुस्लिम लीग का, उहदे च मौलाना साहब भी सी होर भी दूसरे जिहड़े सीनियर पार्लीमेंटेरियन सी मुस्लिम लीग दे वह भी सी अरकाने पार्लीमेंट दूसरे जिहड़े सी वह भी सी उहदे विच उन्होंने जी बजाते खुद इस जबान नाल नवाज शरीफ साहब ने कहा जी कि एस्टैबलिशमेंट जिहड़ी आ उहदा हाथ जिहड़ा इमरान खान दे सिर तों चुकिया गया वा, हुण इमरान खान कल्ला हो गया फौरी तौर पर जिहड़ी सीढ़ी आ उहनूं खिंचिया जावे इहदे वास्ते इकदामात कीते जाण, ते इह दा बयान दिता जी उन्होंने।
हुण इस बयान तो बाद ही अगला जिहड़ी स्टेटमेंट आई आ ये ब्रिगेडियर साहब की अपॉइंटमेंट देते वो आई जी एस एन इकबाल साहब की। दूसरा जिहड़ा बयान आया जी वो आया जिहड़ा इन्हां ने अदम अतमाद लैके आनी सी उहदा प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिता जी, ये भी कल की डिवेलपमेंट आ उहनां दे बयान तो बाद दी। गल ये आ जी अगर तो नवाज शरीफ साहब की गल सच्ची मनी जाए तो अगर इमरान खान साहब के सिर तो हाथ चुक लिया गया फिर जिहड़ा वा इन्हों कोई देर नहीं करनी चाहिए, फिर तो फौरी तौर पर जिहड़ा वा वो ये काम कर देना चाहिए। अच्छा ये पीपल पार्टी उन्हों का साथ दे के राजी नहीं हैगी, कहती भी असी चंगे भले खाते पीते वसते अपने घर च असी क्यों वेच के मकान जिहड़ा किराए दे उत्ते चले जाइए। ये जिहड़े आ इन्हां दी झुग्गी सड़ी हुई आ, इह कहिंदे आ भी ना आप रहना ना कख अगले का रहन देना, सड़दे तां सड़ जाइए, जदों सड़ेगी झुग्गी फिर ही शायद कोई सानू कोई लाल लभे कोई साढ़े साढ़े सिर ते हाथ रखण वाला लभ जाए। ये बेसिकली इन्हां दी सोच ये आ और उहदा जिहड़ा जिहड़ा जवाब आया वा वो ये आया कि आर्मी चीफ साहब की और इमरान खान साहब की और डी जी आई एस आई जनाब जिहड़े आ नवे अपॉइंट हुए आ उन्हां दी मुलाकात हुई आ कल वजीर आजम हाउस के बस नदीम अंजम साहब की भी, तो फिर उन्होंने सारे मामलात डिस्कस किए जिहड़े भी इत्थे मामलात आ जिहड़े हुण चाइना जाके हल होने आ जिहड़े चाइना जाके डिस्कस होने आ वो सारिया गल्लां डिस्कस हुई आ लॉन्ग मार्च के मुतलक डिस्कस होया भी ये आ रहे इन्हां दा की तरीकाकार अख्तियार करना चाहिए, यानी मुल्की सूरत हाल से भी गौर होया, बार्डर की सूरत हाल से भी गौर होया, कुछ होर मामलात जिहड़े सी भी उन्हां ते गौर होया। लेकिन जिहड़ी सोच जिहड़ी गलबात नज़र आती उन्होंने खान साहब नूं जिहड़ा वा थपकी दित्ती भी सी तुसीं तकड़े हो के अपना काम करो। उस तो बाद जिहड़ी एक जिहड़ा सब तो अहम गल होई आ शेख रशीद साहब ने जिहड़ा इंटरव्यू दिता वा बीबीसी नूं और नदीम मलिक साहब नूं उहदे विच भी उन्होंने जिहड़ियां गल्लां उन्होंने आ पिछली प्रैस कॉन्फ्रेंस कहीं सी उन्होंने उही गल्लां जिहड़ियां अपनियां बरकरार रखियां और उहदे तो वह बैकफुट ते नहीं गए। उन्होंने यही गल कही सी कि एस्टैबलिशमेंट और इमरान खान की हुकूमत के तल्लुकात बेहतरीन आ, मतलब ए वन आ, और दूसरा स्टार शरीफ जिहड़े आ वह माइनस आ। उन्होंने ये गल बड़ा मतलब कि जोर पाया गया, उन्होंने गल अपनी वापस नहीं ली और वह अपनी गल ते पाबंद रहे आ। अगर हालात वाकयात वाकई बकौल नवाज शरीफ साहब के अगर खराब आ फिर ये जिहड़ियां स्टेटमेंटा आ जाइयां परेशानी का शिकार वो हुई आ जिहड़ा एस एन इकबाल साहब जिहड़े उन्हां दा ट्वीट ला लो उहदे तो बाद जिहड़ी आ स्टेटमेंट आई आ कि अदम अतमाद जिहड़ी उह नहीं पेश कीती जाएगी। जदों तुसीं एक पासे दा कहिंदे हो जी हाथ चुकिया गया, एक पासे तुसीं कहिंदे असीं अदम अतमाद नहीं लै के आनी, इहदा की मतलब आ? इहदा मतलब आ वी तुहानूं हर जगह तो नाकामी और दा मूँह देखना पै रहा और उहदे विच फिर तुहानूं शर्मिंदगी उठानी पै रही आ। बाकी रही गल जी कि तुसीं ये देखो कि इन्हां दे अंदर जिहड़ा बुग्ज आ फौज के खिलाफ वह कितना ज़्यादा पाया जाता, यानी जिन्ना चिर इन्हां नूं कोई आसरा हुंदा वा फौज वालों कि शायद साड़ी सुनी जाए, ये उन्ना चिर जिहड़े आ ये रहिंदे आ जनाब फौ खामोश रहिंदे, इन्हां दी जबान बंद रहिंदी आ। अगर इन्हां नूं थोड़ी जी भी शक पै जाए कि फौज जिहड़ी आ वह साढ़े तो साढ़े हत्थां तो स्लिप हो गई आ, वह अपने फैसले करदी पई आ, तो ये जनाब फिर इस तरह के ट्वीट जिहड़े आ जिहड़े कि फौज की इज्जत नूं रोलदे आ, फौज के उत्ते कीचड़ उछालण वाले ट्वीट जिहड़े आ वह या खुद किए जाते या दूसरों को कराए जाते हैं, करा के फिर जिहड़ा वा वह अपने दिल की तस्कीन की जाती है। ये है जी इन्हां दी दिमागी सोच जिहड़ी कि मुसलसल साढ़े तीन पौड़े चार साल तो लगातार चलती आ रही है और उहदा जिहड़ा इख्तिताम वह नहीं हो रहा। इन्हां दे ख्याल तक ये इख्तिताम उदों तक नहीं होएगा जदों तक इन्हां नूं गोदी दुबारा नहीं चक्या जाएगा, इन्हां नूं जिहड़ा वा इन्हां दे मूँह च रोंदियां दे फीडर नहीं दिता जाएगा, उस वक्त तक ये खामोश नहीं रहणगे, ये किसी ना किसी तरह वार करते रहणगे। अगर इन्हां नूं कोई आसरा होया कि जनाब सानूं कोई तसली तिफल तसली मिल रही आ साढ़े आने के चांसिस बनते आ तो ये खामोश रहणगे। अगर खुदा न खास्ता अगला इलैक्शन ये जाते हार इन्होंने जनाब पूरे मुल्क दे विच ओ गदर पाना वा, इन्होंने कहना सारा इलैक्शन ही जाली होया, सारी जिहड़ी ये गल अज दी याद रखना जी तुसीं, इन्होंने जो इन्हों को हो सकया फिर इन्होंने वो करना। एक ये एक इन्हां दे नाल मौलाना वा जिहड़े बेचारे मतलब कि किराए ते ढोल वजाण नूं रख इन्होंने नाल लगे हुए आ और वो ढोल बजाते वेलां वसूल करते,
ਉਹ ਕਦੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵੇਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲਾ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਾਈਆਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਨ, ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਘਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਲਾ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਬਥੇਰੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਦਬਾ ਕੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੋਸਟਪੋਨ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਖਬਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕਨਫਰਮ ਹਜੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਖਬਰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਸਲੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਲੈਣ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜੀ ਕਿ ਐਸਨ ਬੋਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਮਰਾਨ ਆਪਣਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਅਹਿਲੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਵਕਲਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਐਸਨ ਬੁਲ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਕਲਾ ਬਰਾਦਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਜ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਣਗੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਕਲਾ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਮੌਕਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਉਹਦੀ ਚੁਆਇਸ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੀ ਹੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਆਇਆ ਦਰਖਾਸਤ ਸੁਣਨੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਐਸਨ ਬੂਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਦਸਤ ਬਦਸਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲਮੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਲਮੀਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੂਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲਮੀਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਆ, ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਅਹਿਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਜਨੇਸ ਅਫਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਰਸ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤਦ ਵੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨਿਹਾਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਾਨਿਹਾਤ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਾਲਾ ਸਾਨਿਆ ਵਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਮੁਕੱਦਮ ਵਾਲਾ ਵਾ ਕੇਸ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਦੀ ਲੱਭ ਕੁਛਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀਚੜ ਵੀ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੀ ਉੱਠਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਖਾਨ ਤਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਆ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਏ ਟੀ ਐੱਮ। ਹਰ ਵਕਤ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਏ ਟੀ ਐੱਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਪਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ, ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਜੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਵਾਕਿਆਤ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦਾਲ ਕਾਲੀ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਦ ਕੁਛ ਬੰਬਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਤਿਆਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਹਾਫਜ਼ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੋਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਪਤਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਗਰ ਐਸੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।